बहुत लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब हम मटर पनीर बनाते हैं और उसमें पनीर को फ्राई करके डालते हैं तो वो पनीर हार्ड हो जाता है, च्यूई हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या कोई ऐसा तरीका है विच विल इंश्योर कि ये पनीर च्यूई ना हो? हाँ भाई, बिल्कुल है, बहुत आसान सा तरीका है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। ऑयल को मैंने मीडियम हॉट गरम करना है और अब इस ऑयल में हम डालेंगे पनीर के पीसेस और इनको बस इतना फ्राई करेंगे कि इनकी जो एजेस हैं वो हल्की सी गोल्डन हो जाएं। नो मोर देन दैट। और अब मैं रखूंगी अपने पास एक पानी का बोल रेडी। ये किस लिए है? जैसे ही मैं पनीर को फ्राई करके निकालूंगी मैं उसे डायरेक्टली पानी में डालूंगी। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये जो पनीर के पीसेस हैं वो वापस से सॉफ्ट बने रहेंगे, च्यूई और लेदरी बिल्कुल नहीं होंगे। अब इसके जो एजेस हैं ये कलर होने लग गए हैं, दे हैव स्टार्टेड अक्वायरिंग अ नाइस कलर। तो अब इन पनीर के पीसेस को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और जैसे मैंने आपको बताया कहाँ निकालेंगे? सीधे पानी में। पानी ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, ये नॉर्मल टैप वाटर है। पनीर डन। और अब हम मटर पनीर की ग्रेवी बना लेते हैं। What I'm going to do is, I'm going to begin with a little oil in the pan, about 2 tablespoons of oil, और इस ऑयल को हम गर्म होने देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े गरम मसाले। जो लौंग मुझे डालनी है इसका मैं फूल तोड़ के निकाल दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा? When I put this in hot oil, ये बर्स्ट नहीं करेगी, उड़ेगी नहीं और जलने का डर नहीं रहेगा। जब ये तेल होगा गरम, डाल रही हूँ मैं इसमें ये एक टुकड़ा दालचीनी का और 2 तेज पत्ता और ये 5 लौंग और इनको भी हम सिजल होने देते हैं पहले। एंड वन दी स्टार्ट टू सिजल इसमें ऐड करेंगे अनियन का पेस्ट। ये तो आपको पता है ना? बहुत लोग इसमें अनियन पेस्ट की जगह चॉप्ड अनियंस भी यूज़ करते हैं। माई सजेशन इज कि आप अनियन पेस्ट इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इससे आपकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा सिल्की स्मूथ, ज्यादा अच्छी बनेगी। तो so, I've added about a cupful of onion paste to this. मैंने 2 बड़े प्याज को पीस लिया था वो इसमें मैंने डाल दिया है। एकदम फाइन स्मूथ इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो पहले इसे थोड़ा पका लेंगे जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाता और ये काम हम करेंगे मीडियम हीट पे, ना बहुत हाई हीट ना लो हीट पे। तो देखिए, the onions have turned pink और आप notice करेंगे कि साथ ही साथ में इन्होंने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है, यानी कि इसका जितना moisture है वो खत्म हो चुका है। This is important। और इसे stir करते रहेंगे ताकि वो बाहर से किसी भी तरफ से ज़्यादा brown ना हो। और अब इस stage पे add करेंगे हम, तो 1 tablespoon में इसमें ginger garlic का paste add कर रही हूँ। इसको भी stir कर दीजिए, इसे cook कर लीजिए जब तक कि ginger और garlic की जो raw smell है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये देखिए, इफ यू नोटिस अनियन थोड़ा ब्राउन होने लग गया है, नीचे थोड़ा चिपकने भी लग गया है और तेल भी छोड़ना शुरू कर चुका है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, यानी कि ये मसाला अब अच्छे से पक चुका है। और अब इसमें डालेंगे हम अपने सूखे मसाले और सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पहले इसलिए ताकि ये तेल में अपना अच्छे से कलर छोड़ दे। और अब इसमें बाकी के मसाले, जिसमें डालूंगी मैं हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये मसाले भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसमें डालूंगी अब ये टमेटो प्योरे, अबाउट 1/2 cup ऑफ टमेटो प्योरे, एंड मिक्स दिस इन। और टमाटर को भी अच्छे से पक जाने दीजिए। वंस अगेन मसाला जो है वो तेल छोड़ेगा।
और अब इसमें डालेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज नमक। तो ये नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जितना आपकी फैमिली को पसंद हो, जितना आप खाते हो। कुछ लोग भाई तेज खाते हैं, कुछ लोग नमक कम खाते हैं, तो सबके फैमिली का जो सॉल्ट का टेस्ट है ना वो अलग होता है, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि कितना सॉल्ट सही है, कैसे पता चलेगा। कभी डालते हैं तो ज्यादा हो जाता है, कभी डालते हैं तो कम हो जाता है, क्या किया जाए? हाँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए? ज्यादा हो जाएगा तो कम करने में तो आपको कठिनाई आएगी, और अगर कम होगा तो आप ज्यादा तो कर सकते हैं, है ना? तो इनिशियली आप नमक थोड़ा थोड़ा करके डालिए। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे आपको अंदाजा लगने लग जाएगा कि कल दाल में मैंने एक चम्मच डाला था तो वो शायद थोड़ा कम था, आज अगर मैं सवा चम्मच डालूं तो ठीक होगा क्या? कल नमक सब्जी में थोड़ा तेज हो गया था, आज थोड़ा कम डालना चाहिए। तो दिस इज हाउ विद एक्सपीरियंस यू विल एस्टैब्लिश दिस क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट द वे यू लाइक। इसीलिए किसी भी रेसिपी में कभी ये नहीं लिखा होता आधा चम्मच नमक, एक चम्मच नमक। हमेशा हम कहते हैं नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब एक कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर दीजिए, और अब इसमें साथ में डालूंगी मैं मटर, और मटर को भी इसके साथ थोड़ी देर पकने दूंगी। मैं फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल करें तो पहले आप मसाले के साथ थोड़ा सा मटर को भून लीजिए और उसके बाद पानी डालिए। इस बॉइलिंग मसाले में मैं ऐड करूंगी ये स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज भी, फॉर अ वेरी नाइस फ्रेश फ्लेवर। और अब इसमें ये जो पनीर के पीसेस को मैंने सोक करके रखा हुआ है, आई विल ऐड दीज। पानी से निकालिए और ये बॉइलिंग ग्रेवी में इसे ऐड कर दीजिए। तो अब आपको समझ में आया क्यों आपका पनीर जो है वो चमड़े के जैसा हार्ड हो जाता था, और अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अब इसे कवर कर देते हैं और 7 से 8 मिनट तक के लिए हम पकने देते हैं, जब तक कि ये पनीर पूरी ग्रेवी के फ्लेवर को अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है भाई, मटर भी नहीं रेडी हो चुका है। और अब इस पे फाइनल फ्लरिश किसका आने वाला है, वो आएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी का, जो से देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर। मुझे लगता है पनीर की हर डिश में थोड़ा सा अगर आप कसूरी मेथी डाल देना तो बस पूछिए मत, फ्लेवर तो इतना लाजवाब हो जाता है कि क्या कहने। तो इसे हाथों से करते हैं क्रश, और ये जो एक्स्ट्रा इसकी जो डंडियां बची मेरे हाथ पे, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। हाँ, अब आप चाहें तो इसे टेस्ट कर सकते हैं और नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से सेटल कर सकते हैं। निकाल लेते हैं इसे, एंड आई एम रेडी टू सर्व दिस। ओके, नाउ दिस इज अ प्रॉमिस, अब ये आपका जो पनीर है वो बिल्कुल च्यूवी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको तलते ही निकाल लिया था पानी में, अब वो वापस से सॉफ्ट हो चुका है। तो बताइए, कर दी ना आपकी मुश्किल मैंने आसान, और मटर पनीर में पनीर को मैंने हार्ड नहीं होने दिया, हमने उसे बिल्कुल सॉफ्ट रखा। और रेसिपी तो आप भी कहेंगे आसान है ना।